हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू है और मैं यहाँ सी के बिड़ला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी में डायरेक्टर हूँ। आज हम बड़े ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्यों ये हो जाता है? अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी हम बात करते हैं कि जो एसिड है वो स्टमक में समा सकता है, स्टमक एसिड को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन जो इसोफेगस है, जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ से ऊपर का पार्ट, वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो जैसे ही एसिड ऊपर जाता है तो जो हमारे अंदर की लेयर होती है इसोफेगस के, वो उसको जला देता है, उसमें अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। या इसको हम यूँ समझें कि अगर कोई एसिड हमारे स्किन पर गिर गया तो वहाँ पर छाला हो जाएगा, छाले हो जाने की जख्म हो जाएगा। तो इसी तरह के जख्म जो है वो हमारे इसोफेगस में बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको इसोफेजाइटिस, इसोफेजियल अल्सर्स कहते हैं। तो रिफ्लक्स अगर प्रोलॉन्ग रहता है तो वो इसोफेजाइटिस कर सकता है, इसोफेजाइटिस के बाद में वो इसोफेजियल अल्सर्स कर सकता है। और इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो है रिफ्लक्स डिजीज होता क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है। उसमें ये है कि कोई भी चीज जो भी आपके, जैसे ये हमने इससे देखा था कि ये आपका स्टमक है, तो जो भी चीज जो है आपके स्टमक पे बाहर से प्रेशर डाल रही है उसकी वजह से आपको रिफ्लक्स होगा। तो मोस्ट कॉमन होता है कि जो ओबीज पीपल होते हैं, क्योंकि बहुत सारा फैट जो है टमी के ऑल अराउंड उसमें होता है, तो उस फैट की वजह से जो है स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, और स्टमक पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो आपका स्फिंक्टर है वो वीक हो जाता है, और उसकी वजह से रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी फीमेल्स आती हैं, वो भी कंप्लेन करती है कि मेरे को इस तरह से एसिड रिफ्लक्स होता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो प्रेशर डालेगी तो उससे रिफ्लक्स होगा। या फिर बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको हाइटस हर्निया होता है। हर्निया एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें बॉडी का एक पार्ट बॉडी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है, यानी कि जो स्टमक है वो छाती में ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तो अगर स्टमक ही ऊपर चला गया तो इसका मतलब जो स्फिंक्टर था वो भी लूज हो जाता है, वो भी ऊपर चला जाता है, तो उससे भी रिफ्लक्स होने के चांसेस रहते हैं। अदर कारण उसके होते हैं कि जिस वजह से आपकी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरह रहता है कि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो अगर एसिड प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको LES कहते हैं, वो आपका रिलैक्स रहता है, तो बहुत से कारणों करके वो रिलैक्स रह सकता है। तो जैसे कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, सब्जियों में हम देखते हैं कि टोमेटो है, लहसुन है, गार्लिक है, प्याज, अनियन है, तो इस तरह की चीज़ें भी कई पेशेंट्स को सूट नहीं करती हैं, और इसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी हो जाती है और स्फिंक्टर लूज हो जाता है। या फिर चॉकलेट्स हैं, जो लोग चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी चाय ज़्यादा पी रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है और स्फिंक्टर भी लूज़ हो सकता है, जो कि आपको रिफ्लक्स करता है। अल्कोहल, शराब पीना, शराब पीने से भी जो है स्फिंक्टर लूज होता है, उससे भी रिफ्लक्स होता है। या फिर जो स्मोक करते हैं लोग, टोबैको की वजह से भी इस तरह से रिफ्लक्स होता है। कुछ एक तरह की मेडिकेशन होती हैं जिनकी वजह से रिफ्लक्स हो सकता है, जैसे अगर आप विटामिन सी ज़्यादा ले रहे हो, कई बार उससे भी हो जाता है। या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स लेती हैं बच्चे को गर्भ रोकने के लिए, जो मेडिसिन लेती हैं, तो उसकी वजह से भी रिफ्लक्स हो सकता है। या फिर कुछ एक पेन किलर्स होते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो स्टेरॉइड्स होते हैं, उनकी वजह से भी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और स्टमक के और इसोफेगस के छाले बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से रिफ्लक्स हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर रिस्क फैक्टर होता है रिफ्लक्स के लिए वो ओबेसिटी है। अगर कोई भी ओबीस पीपल जो है उनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती ही है, या फिर जो अल्कोहल क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं, या फिर क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, और या फिर जो पेशेंट स्पाइसी और फैटी और फ्राइड फूड ज़्यादा लेते हैं। आजकल हमने देखा है कि वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, वेस्टर्न फूड की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, हेल्दी फूड कम खा रहे हैं, तो अनहेल्दी जितना भी हम खाएंगे उसकी वजह से भी रिफ्लक्स होगा। या फिर कुछ ऐसे फूड होते हैं जैसे मैदा, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो जल्दी से नीचे नहीं जाता, वो स्टमक में स्टे करता है ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो उनकी वजह से भी रिफ्लक्स हो सकता है।
या फिर ये कहते हैं कि क्या खाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कितना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर खाने की मात्रा ज़्यादा है, आपका पोर्शन साइज ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी रिफ्लक्स हो सकता है। अगर आपको रिफ्लक्स की वजह से कोई भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं कि हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको कफ ज़्यादा हो रहा है तो हम प्रोनोलॉजी के पास जाते हैं या न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन अगर इसका हम एसिड रिफ्लक्स के लिए ही प्रॉपर इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो हम इसका समाधान कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन में बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहला ये होता है कि हम इसको एंडोस्कोपी करते हैं, छोटा सा कैमरा मुँह के रास्ते से जैसे होता हुआ जो है वो स्टमक में डालते हैं, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कहीं डायलेटेड तो नहीं है, रिलैक्स तो नहीं पड़ा हुआ, वो अपना काम पूरे तरीके से कर रहा है, या फिर कोई छाले तो नहीं है, इसोफेजियल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं है, या फिर हाइटस हर्निया तो नहीं है, या फिर वहां पर कोई ग्रोथ तो नहीं है, स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो ये सारी चीजें एंडोस्कोपी से पता लग सकती हैं और हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। फिर इसके बाद में 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग होती है, पीएच देखते हैं, एसिडिक पीएच है अगर लोअर इसोफेगस में तो इसका मतलब एसिड जो है वो लोअर इसोफेगस में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर हम प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसको मैनोमीट्री कहते हैं, प्रेशर देख सकते हैं कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कितना है। तो ये डायग्नोस्टिक है। फिर आगे अगर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम कई बार सीटी स्कैन भी करते हैं या फिर बेरियम स्वेलो या बेरियम मील भी करना पड़ता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक करने के बाद में हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये सिंपल रिफ्लक्स डिजीज़ है या उसके कॉम्प्लिकेशन यानी कि इसोफेजाइटिस भी हो गया है, अल्सर्स भी बन गए हैं, या फिर वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन गया है, या फिर कोई और कोई प्रॉब्लम है जिसका हम समाधान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।